शादियों की टूटी बेलें दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने में, कितने समय है बाकी सांसें उखड़ने में, हो खाली हाथ न है मैं मैनू टो मैं समझता हूँ कि मुझे हुज़ैफ़ा और हशाम को सब बता देना चाहिए कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है। मैं भी चलूँगी ना तुम्हारे साथ? मेरे ख्याल है तुम्हें वहाँ बुलाने में कम से कम 6-7 महीने तो लगेंगे। 6-7 महीने? वैसे खुर्शीद साहब काफ़ी इंटरेस्ट देने लगे हैं आंटी। बहुत हो गई बकवास सनी, हद होती हर बात की। निकलो निकलो। हुज़ैफ़ा क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? पागल ही तो है ये मामा। आप शादी करेंगे मुझसे? जी। मैं अपने बेबी को ये कपड़े पहनाऊंगी? इतने पुराने, कितनी बदबू आ रही होगी, कितने जर्म्स होंगे इसमें। माफ कीजिएगा बहन, शायद आपको बुरा लगे लेकिन ये आपके पुराने ख्यालात, पुराने रस्मों रिवाज, ये आजकल के दौर के नए ख्यालात के बच्चे कहाँ एक्सेप्ट करते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं ज़हनी तौर पे मानेगी। शायद आप ठीक ही कह रही हैं, हमारे ज़माने में तो एक रिवाज ये भी था कि लड़की जिस घर में भी जाती थी वहीं के तौर तरीके बहुत खुश दिली से अपना लेती थी, माजी को भूलकर हाल में जिया करती थी। होता होगा ऐसा, लेकिन अब तो बहुत कुछ बदल गया है। अब तो लड़की के बजाय लड़के को घर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। एक्चुअली मैंने और हुज़ैफ़ा ने फैसला किया है कि अब हम मामा और पापा के साथ ही रहेंगे। ओ मेरा दर्द न जाने कोई हो। लेकिन हुज़ैफ़ा ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं? झूठ बोल रही हूँ मैं आपसे? देखिए बहन, हम भी बेटी के माँ बाप हैं, औलाद से कैसी मोहब्बत होती है हम जानते हैं, लेकिन मसला दरअसल ये है कि सानिया यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रही है, बड़े घर की आदी है। हमने इसे बहुत लाड प्यार से पाला है, हम नहीं चाहते कि हुज़ैफ़ा और सानिया टोटली डिस्टर्ब रहें, एक दूसरे से दूर होते चले जाएं। आप एक अकलमंद खातून हैं, आप समझिए ना मैं क्या कह रहा हूँ। और वैसे भी हम ये नहीं चाहते कि आपको यहाँ कोई तकलीफ हो, कोई शिकायत हो, बेगमा आपकी खिदमत करेगी, बहुत अच्छी औरत है वो। हाँ, और बेगमा को इसी बात के तो पैसे मिलते हैं। तैयारी करो एडवर्ड। दर्द न जाने कोई हो। बीनेश, क्या है यार, आज संडे है, कुछ तो ख्याल करो। अच्छा, मसलन क्या ख्याल करूं? मसलन आज कुछ चटपटा सा बनाओ। चना चाट कैसा रहेगा? भाई देखो ना, संडे वाले दिन लोग अपने घरों में वार्म वेलकम देते हैं, और एक हमारा घर है, हमेशा घिसा पिटा नाश्ता ही मिलता है यहाँ पे। अच्छा मैं ना एक काम करती हूँ, मैं बिनेश, बिनेश तुम ठीक तो? पता नहीं, बस एकदम से चक्कर आ गए, शायद गर्मी की वजह से। तुम कमरे में चलो, छोड़ो, काम होते रहेंगे।
डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं, ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्या मतलब? ना हो कमबख्त पेट में फट जाता है। भाई। अब उठे आपा, मैं आपको लेके चलता हूँ। उठे उठे, आराम से आराम से, जल्दी ले जा। तेरी आपा की तबीयत ठीक नहीं है, खाने में क्या बनेगा देख ले जाके। जी अम्मी। चाहता हूं कि मेरे बच्चों को आला तालीमी इदारों में तालीम। और बेफिक्र रहो, छत दे के जाऊंगा मैं तुम लोगों की बीमारी के जंग मुझे हर हाल में जीतनी। ये लीजिए बीबी आपकी कॉफी। थैंक यू। एक बात कहूं बीबी जी, आपके जाने से ना दिल बहुत उदास है। अच्छा वाकई? वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं तुम्हें कितना डांटती थी ना। नहीं बीबी जी, घर में रौनक तो घर वाली से होती है, और आपकी डांट में तो एक मजा ही था अलग। ये तो है, लेकिन आंटी तो है ना यहाँ पर, और मैं और उज़ैफा भी आते जाते रहेंगे। आफ्टर ऑल ये घर तो मेरा है, देखभाल तो करनी है ना मैंने। पर बड़ी बीबी मुझे एक आंख नहीं भाती, उन्हीं की वजह से तो आप जा रही हैं घर छोड़ के। ये तो है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब देखो ना, मैं दोबारा से अपने पेरेंट्स के साथ रह सकूंगी। ये बात तो है। बुझने लगी है आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें, हो। यस 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 यस, शाबाश, हंसाओ हंसाओ और हंसाओ। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, शाबाश। हाँ ये जरा थोड़ा इसको बोलो ना हंसे। चल इधर देखो बाबा। Yes! एक और प्यारी सी स्माइल। अरे ले ले ले, अरे वाह वाह वाह, एक और इसको इधर दिखाओ जरा, इधर 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 इधर। हां हां, एक और प्यारी सी स्माइल। अरे ले ले, आहा, वेरी गुड। चलो आखिरी। अरे जब तक रील खत्म नहीं होती तब तक इसकी तस्वीरें खींचता रहूंगा, क्योंकि जब ये 6 फुट का हो तो इसे पता चले कि जब ये पिद्दी और पिद्दी का शोरबा जितने थे ना तो कैसे लगते थे। अच्छा जाने दो, माए कभी इस तरह एहसान जताती है अपने बच्चों पे? ये तो काम होता है उनका, है ना? 2 बालिश्त की बच्चे को 6 फुट का जवान बना देना, ड्यूटी इज ड्यूटी एंड लव इज लव। क्यों मेरा बेबी? ये लव इज लव मुझे अच्छा लगा, इस पे तो आपकी तस्वीर बनी। अच्छा मेरी किस खुशी में? प्लीज मुझे ये बस नहीं, प्लीज मुझे कोई शौक जरा। माओ का तो काम है ये, 2 बालिश के वजूद को पाल पोस कर जवान कर देना, एहसान कैसा? ड्यूटी इज ड्यूटी एंड लव इज लव। जीते रहो बेटा। तुमने मुझे बताया नहीं उज़ैफा कि तुम सानिया के पेरेंट्स के यहाँ शिफ्ट हो रहे हो? अभी कोई फाइनल डिसीजन लिया नहीं, उन्होंने एक ऑफर दिया था। ऑफर? अंकल चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस संभालूं। ओह
उनका बिजनेस संभाल लो और उनके घर जा रहे हो, यही ना? मैंने कहा ना आपसे, मैंने कोई हतमी फैसला नहीं किया अभी। In fact, I'm really confused. Confused हो? तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। क्या फर्क पड़ता? वैसे भी आपके पास वक्त ही कहाँ है, आपको हर शाम की तैमारदारी से फुर्सत मिले तो कोई बात करें आपसे। और सच तो यह है कि हम दोनों को आदत पड़ गई है एक दूसरे से दूर रहने की, दूर दूर रहकर एक दूसरे से प्यार करने की, शायद पास रहकर मोहब्बत हो ना पाए। सिर्फ अपनी बात करो हुज़ैफ़ा। यूं कहें कि जुर्म सारे अपने खाते में लिखवा लूं और बेगुनाही आपकी मीरास ठहरे। कोई इल्जाम तो नहीं दिया मैंने तुम्हें? सजा तो तुमने सुनाई है मुझे, क्या मैंने सुन ली खामोशी से चुपचाप? मैं यहाँ तुम्हारे पास रहने आई थी, क्यों आई थी ये भी तुम जानते हो। इस जुर्म की ये सजा मिली है मुझे कि इस दुनिया में कहीं भी कोई भी घर नहीं रहा मेरा। ये घर मेरा है, इसीलिए आपका भी है। आप यहाँ जब तक चाहे रह सकती हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी माए बहुत अनापरस्त होती है हुज़ैफ़ा, बेटा साथ खड़ा हो तो तल्ख से तल्ख बात हंस के सह लेती, लेकिन दूर जाके तरस खाए तो खुद पे तरस खाने की, हमदर्दी करने की इजाजत नहीं देती। जाना चाहते हो शौक से जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन उसके बाद मेरे इत्मीनान, मेरे सुकून और मेरी प्रॉब्लम्स की बात मत करना प्लीज। समझने की कोशिश कीजिए, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने कोई फैसला नहीं लिया अभी तक, और आपसे पूछे बगैर मैं कोई फैसला कैसे ले सकता हूँ? आप बताइए क्या मसला है? सिर्फ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती हूँ तुम्हारे साथ हुज़ैफ़ा, बस चंद महीने। तुम्हारा बच्चा देख लूं, उसे गोद में खिला लूं, ये तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लो, उसके बाद जो फैसला करना चाहो कर लेना बेटा। कितने समय बाकी सांसें उखड़ने में, खाली हाथ में हुज़ैफ़ा, ये तय हो चुका है कि हम मामा और पापा के साथ रहेंगे। तुम अब डिसएग्री नहीं कर सकते, समझे तुम? और ये सब कुछ किसने डिसाइड किया? मैंने, तुमने, मेरी मामा ने, मेरे पापा ने डिसाइड किया। इस सब के बीच में मेरी मामा कहाँ है साले? हुज़ैफ़ा, जब तुमने मुझे प्रपोज किया, जब मुझसे शादी का फैसला लिया था, तब कहाँ थी तुम्हारी मामा? ये अचानक से हम दोनों के दरमियान क्यों आना चाहती है वो? सानी, तुम खुद माँ बनने वाली हो, एक माँ की फीलिंग्स को समझ नहीं सकती तुम? लिसन, फिलहाल मैं एक बीवी हूँ, और बीवी की जेलेसी, उसकी बेबसी, उसकी फीलिंग्स को मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकती हूँ। उसे फिर तुम्हारी माँ तुम्हें एक टेनिस बॉल की तरह इस्तेमाल कर, और ये एटलीस्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे तुम? अपनी माँ को दुख देकर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, I'm sorry। और मेरे माँ बाप, तुम्हारे इस फैसले से उन्हें कितना दुख होगा ये तुम्हें एहसास नहीं है? तुम्हारे माँ बाप को ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने खरीद लिया है मुझे, या बिक चुका हूँ मैं उनके सामने?
मेरे जो फर्ज हैं मैं वो सब पूरे करूंगा, सुना तुमने? रूबी, मेरा क्या पागलपन है? मैंने तुमसे वादा किया है ना, बहुत जल्द तुम्हें वहां बुलवा लूंगा। बहुत जल्द? और बीच में जो इतने सारे दिन हैं, उनका क्या? तुम देखना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और दिन गुजर भी जाएंगे। तुम्हारे जाने के बाद तो मेरे लिए वक्त की सुई बिल्कुल रुक जाएगी। मेरे लिए तो एक एक पल काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम रोज फोन पे बात किया करेंगे, लेकिन हमें ऐसा लगेगा जैसे शादी से पहले का वक्त वापस आ गया है। अम्मा जी की बात ये होगी कि पापा नाराज भी नहीं होंगे। हाँ भाई, बन गया शानदार। हाँ जी हाँ जी, बन गया, रख के आई हूँ चूल्हे पे, जरा पक ले तो ला देती हूँ। है? अभी पक रहा है, घंटा भर हो गया कहे हुए, अभी तक पक ही रहा है। सुहेल, कभी तो दो प्यार भरे जुमले बोल लिया करें। हर वक्त उबलते पानी की तरह भाप छोड़ते रहते हैं, कभी तो भाप ठंडी भी हो जाए, कभी तो बरसात बन के बरसे। अगरा बेगम, दो शोहर भुगत चुके, अभी भी दिल के अरमान नहीं निकले? ठीक कह रहे हैं आप, भुगती तो रही हूं। वैसे बुरा ना माने तो एक बात कहूं सुहेल? रहे नसीब, आज पहली मर्तबा आपने दरखास्त दी, फरमाइए। क्या आफत पड़ी थी आपको सबीहा बेगम को तलाक देकर मुझसे शादी करने की? अरे दूसरी शादी वो करते हैं जिनका एहसास जिंदा हो, जिनके जज्बों में वलवला हो, तभी ये चोंचले जचते हैं। या फिर बुढ़ापे में जिसने अपनी बीवी के नाजो नखरे उठाए हो, या फिर उनके बच्चों की माँ हो, मेरे पास क्या है? मैं क्या हूं? अरे ना औलाद ना, जो शानदार करके रखती मेरी जिंदगी, लेके आती हूं जो शानदार। या अल्लाह, कपड़ा लत्ता जेवर पैसा घर बार सभी कुछ दिया इस औरत को, अब क्या हाल होना को? इस उम्र में मैं आशिकी भगाता रहूं इसका? आइए मेरे साथ, मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक हूं मैं भाई, आप आ जाएं, मैं आपको छोड़ दूंगा, प्लीज आइए मुझे। तुम्हारी मामा को बहुत केयर की जरूरत है। अरे क्या कर रहे हो जैसा, छोड़ो उन्हें। बेटे को छोड़ने के लिए दूसरे सहारे ढूंढ रही है। अरे ये आप जमदम से धुली हुई है क्या? आओ छोड़ो इसे, अरे दो, मारो मुझे। सदियों की टूटी बेले दिल के दरीचे में, लम्हों से रूठे लम्हे मुझसे अकेले में, बीते जमाने कितने मिलने बिछड़ने समय है बाकी सांसें उखड़ने में। सभिया जी, खैरियत तो है?
क्या हुआ? आइए 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 मेरे साथ, मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक हूँ मैं भाई, आप आ जाए मैं आपको छोड़ दूंगा, प्लीज आए आइए। मुझे धड़कन है बिखरी बिखरी, कहने को जिंदा हूँ, हर पल इश्क दी टूट दी जावे डो, घर वालों से छुपाती क्यों है? क्योंकि बताने की कोई जरूरत नहीं, बीमार हूं, बाकायदगी से दवा ले लेती हूं, इसके अलावा मेरे लिए कोई क्या करेगा? औरतों को तो बड़ा शौक होता है अपनी औलाद से खिदमतें उठवाने का, सरदर्द भी हो तो ब्रेन ट्यूमर बताती है। आप अजीब औरत है, लगता है खासा तजुर्बा है आप। यूं कहिए एक ही तजुर्बा काफी है। वैसे हमने तो एक और तजुर्बे के बारे में सोचा था, लेकिन जाने दीजिए खुर्शीद साहब, रात गई बात गई। वैसे भी मैंने आपको बताया है ना कि अब तो नानी दादी बनने की उम्र है मेरी। भाई हम तो ये समझते हैं कि जब तक आसमान पर चांद चमकता है, मोतिया के पौधे में फूल खिलते हैं और हर साल के बाद बहार आती है, तब तक जज्बे मान नहीं पड़ते। बिल्कुल नहीं समझी थी कि आप इतनी शायराना तबीयत के मालिक। हुज़ैफ़ा बेटे, वो दरअसल चलिए उठे घर चलिए। बेटा चलिए। हुज़ैफ़ा बेटा बात सुनो, तुम्हारी मामा को बहुत केयर की जरूरत है। अरे क्या कर रहे हो हुज़ैफ़ा, छोड़ो उन्हें। तो कल का प्लान बना लो, मैं और हुज़ैफ़ा भी आ जाएंगे। अच्छा अम्मी, अब तुम खैर से दादी बन जाओगी। हाँ खैर से दादी बन जाऊंगी मैं, बस तू दुआ कर कि पहला पोता हो। अरे खानदान भर में मिठाई बांटूंगी मैं। मैं तो इतना खुश हो रही हूँ ना अम्मी, मैं भी फुप्पो बन जाऊंगी अब। हाँ हाँ तू फुप्पो बन जाएगी, खूब लाड प्यार करना अपने भतीजे भतीजियों से। अरे फुफियों के तो बड़े राज दुलारे हुआ करते हैं भतीजे। अम्मी वो एक बात करनी थी तुमसे। हाँ हाँ कहो। सारा दिन घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ, सोच रही हूँ नौकरी कर लूँ। भाई से बात करो ना, किसी कंपनी में मेरे लिए नौकरी की बात कर ले। बस बस रहने दे, नौकरी कर लो। अरे बहनें कमाने लगे हैं तो भाई घर की तरफ से लापरवाह हो जाते हैं, चुपकी बैठी रहो, बस नौकरी कर लो। पापा ठीक कह रही हैं अम्मी, इन्हें वाकई में किसी पॉजिटिव एक्टिविटी की जरूरत है, और ये अगर कुछ करना चाहती हैं तो आप इन्हें ना रोके। अरे बीबी बस रहने दो, खूब जानती हूँ मैं तुम्हारे ये ढकोसले, अपना खाने कमाने लगे यही ना, तुम्हारे मियाँ की कमाई में कोई दूसरा हिस्सेदार ना रहे। आप
इतनी मनफी सोच क्यों रखती है हमें? अरे उम्र गुजारी है हमने, खूब समझती हूँ दुनिया के रंग ढंग। कोई मेरी बेटी नौकरी वोकरी नहीं करेगी, तुम्हारे मियाँ की कमाई से ही बनेगा इसका जहेज, समझ गई तुम? मुझे तो लगता है कि ये पट्टी तुम्ही ने पढ़ाई है इसे, वरना ये बेचारी तो सीधी सादी क्या जाने इन बातों को, ये तो अल्लाह मियाँ की गाय है। चल हट, नौकरी कर लो। हेलो। हेलो मामा, कैसी हैं आप? शाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, मैं कल जा रहा हूँ मामा, रात 10 बजे की फ्लाइट है। मामा आप आएंगे ना मुझसे मिलने? मैं वहां? मामा प्लीज आ जाए, मेरे वहां आने पर तो ज़ेफ़ा ने पाबंदी लगा दी। तो क्या मैं वहां आ सकती हूँ शाम? मामा आ जाए, हम सीधे यहीं से एयरपोर्ट चले जाएंगे। जाने से पहले आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ, की खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ। हर पल इश्क टूट दी जावे तो। अच्छा बेटा, मैं आऊंगी, ठीक है, जरूर आऊंगी। मेरी जा रही है क्या? हाँ, शाम से मिलने जा रही हूँ, उसकी फ्लाइट है आज, एयरपोर्ट तक उसके साथ ही जाऊंगी। लेकिन आज तो मैंने और सानिया ने प्लान किया था कि आपको डिनर बाहर करवाएंगे, असल में कलम शिफ्ट हो रहे हैं तो हमने सोचा था कि जाने से पहले एक डिनर साथ में हो जाए। कोई जरूरत नहीं तुम दोनों को मेरे लिए तकलीफ करने की, मैं तो एक आन से घर की पुराने ख्यालात रखने वाली औरत हूँ। ये अलविदाई, लंच, डिनर, नए रिवाज, मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। मत जाइए, वैसे भी आपका वहां जाना मुनासिब नहीं है। तुम जहाँ जा रहे हो ज़ेफ़ा, क्या तुम्हारा वहां जाना मुनासिब है? चाहिए तो ये था कि तुम भी मेरे साथ चलते हो शाम को सी ऑफ करने। तुम ना भी मानो, भाई है वो तुम्हारा। खैर, मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करना चाहती, खुश रहो। इश्क दी टूट दी जावे तो मैं जा रहा हूं बाबा। ठीक है बेटा, अल्लाह ने के बाद मैं बाकायद की सबको फोन करता हूं। चलो अच्छा है, अगर इतना सा फर्ज निभा सको तो। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा जरूर। अगर तुम्हारी जरूरत हुई तो ठीक है मामा, मैं बात कर दूंगी। मामा मैं आपको कॉल करती हूँ। कहाँ जा रहे हो?
मैं शाम से मिलने जा रहा हूँ। शाम से? अमर ठीक कहती थी। मेरे ख्याल उसके जाने से पहले एक बार मुझे उससे मिल लेना चाहिए। वैसे भी उस दिन काफी ज्यादती हो गई थी मुझसे। नहीं बेटी कैसी हो? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कैसी हैं? बस शुक्र है जी। उस दिन मैं तो काफी परेशान हो गया था हुज़ैफ़ा के रवैये की वजह से। आपसे तो उसने बाद में कुछ नहीं पूछा। काफी ऑकवर्ड सिचुएशन थी मेरी। देखिए खुशी साहब, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। बेटा शाम का है, उसकी फ्लाइट का वक्त नहीं हो गया? जी वो बेटा बाकी नो ऑफ कोर्स मेरी जान, सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। थैंक यू। सब यह बेगम, इस वजाहत की क्या जरूरत है कि तुम शाम से मिलने आई हो? भाई तुम किसी और से मिलने भी आ सकते हो। कहना क्या चाहते हैं आप? क्या मतलब है इस बात से आपका? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। आप यूं ही सीखपा हो रहे हैं, या फिर इसी को कहते हैं कि अकलमंद को इशारा काफी होता है? ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो मुझे कहना चाहिए, और वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। मैंने जायज काम किया था, शादी की थी, आग लग गई थी सारे जमाने में। अब कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मैं इस उम्र में इश्क तो नहीं लड़ाया ना मैंने? बाबा प्लीज, अब आप एक लफ्ज और नहीं बोलेंगे। क्यों क्यों नहीं बोलूंगा? मुझे जो कहना होगा मैं कहूंगा, तुम्हें नहीं सुनना तो अपने कानों में उंगलियां ठोस दो। बस एक सुहेल दुरानी बुरा है, जालिम है, बेगैरत है, लेकिन इस औरत से कोई नहीं पूछता जो पहले बेटे के बहाने मुझे छोड़ गई और अब बेटे को छोड़ने के लिए दूसरे सहारे ढूंढ रही है। अरे ये आप जमदम से धुली हुई है क्या? आओ छोड़ से हरी दो, आओ मारो मुझे, आओ मारो, बल्कि सब लोग मिलके मारो मुझे। एक एक करके छोड़ के तो चले ही गए हो, अब एक बार एक ही बार दफना के चले जाओ बस। मुझे नहीं चाहिए किसी का सहारा, मुझे नहीं है किसी की जरूरत। सुहेल जी आप क्यों टेंशन लेते हैं, बीमार हो जाएंगे आप। मैं हूं ना आपके साथ, चलिए आप आइए मेरे साथ अंदर आए। मारो है हिम्मत। क्या हुआ है? हम अभी जाएंगे इस घर से। कहाँ जाएंगे? तुम्हारे पेरेंट्स के घर। लेकिन हम तो कल जाने वाले थे ना। हाँ लेकिन अब हम आज जाएंगे, अभी इसी वक्त, क्योंकि एक लम्हा भी इस छत के नीचे अब नहीं गुजार सकता मैं। सही रात सो नहीं पाऊंगा। तैयारी करो तुम। मैं और सानिया जा रहे हैं यहां से। अब आप जिस तरह भी चाहें, अपनी मर्जी से, आजादी से यहां रह सकती हैं, और अगर चाहें तो तीसरी शादी भी कर सकती हैं। हुज़ैफ़ा
मैं भी यही समझता था, ऐसा हो ही नहीं सकता, वहम है। लेकिन लेकिन बार बार वहम कैसे हो सकता है? आपको बहाना चाहिए हमेशा। पहले मेरी यतीमी का बहाना, अब अपनी तन्हाई को लेकर बैठ गई आप। इंतकाम लेना चाहती है ना सुहेल साहब से? ठीक है, इसी तरह मुझ जैसी नाखल फौलाद से भी जान छूटेगी आपकी। सानिया बीवी छोड़ के गई है आपके लिए, कह रही थी आपकी किसी भी जरूरत के लिए वो छोड़ के जा रही है, अगर और भी जरूरत हो तो वो और भी दे देंगी। ये बढ़ाइएगा जरा। गुड मॉर्निंग उज़ैफा। गुड मॉर्निंग शगुफ्ता। पहली बार हमारा घर इतना मुकम्मल और खूबसूरत लग रहा है। इरफान, घर इंसानों से बनता है, जब अपने इर्द गिर्द अपने प्यारे बैठे हों तो हर चीज अच्छी लगती है। दिल मेरा तोड़ा का है ये बिछोड़ा का है, देखूं मैं तेरी राहें, ओ मेरा दर्द न जाने कोई हो, मैं अब ये है सारा किस्सा, कौन रहेगा इनके साथ, इन्हें तो छोड़ गए और मुझे भी फंसा गए। हाय हाय, मैं तो पहले इसे बहुत मासूम और शरीफ समझती थी, बेचारी मुझे तो तरस आ रहा है इसके ऊपर। पहले तो मैं भी यही समझी थी, पर जब अपनी आंखों से देखा कानों से सुना तो यकीन आया। अब इतना रुपया पैसा है, जो चाहे खर्च करें, अब और क्या। बीबी जी, जी बीबी जी, ये चाबियां हुज़ैफ़ा को फोन करके बता देना कि मैं चली गई। समझा लो अपनी अम्मी को, ये फसाद यहाँ नहीं चलेगा जो ये जमाने भर में फैलाती फिर रही हैं। अपनी मम्मा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। बीनिश, प्लीज खामोश रहो। मैं उन्हें इज्जत एहतराम और पूरे वकार के साथ इस छत के नीचे लाना चाहता हूँ। वो मेरी माँ है रिजवान, एटलीस्ट मैं उन्हें ये तो नहीं कह सकती कि यहाँ से चली जाए। मेरे पापा ने किसी मुलाजमा के लिए अपनी नेक या शरीफ बीवी को तलाक नहीं दी। वही नेक और शरीफ औरत तुम्हारे घर आ रही है दुल्हन बनकर। तुम्हारी अम्मा ने ऐसा क्या जुर्म किया जो सबसे छुपते फिर रही हैं? जुर्म ही तो किया है उन्होंने, हमारे जैसी औलाद की माँ होगी। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है, सुना तुमने, छोड़कर चली गई है वो मुझे।
बुझने लगी हैं आंखें, खाली हुई बरसातें, तुझसे जुड़ी हैं सांसें हो। दिल मेरा तोड़ा काहे है ये बिछोड़ा काहे, देखूं मैं तेरी।